गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन श्यामला हिल्स भोपाल से नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है टीचिंग पोस्ट के लिए। ये वैकेंसी जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की है फॉर द एकेडमिक सेशन 23-24। कॉन्ट्रैक्चुअल इंगेजमेंट 30 अप्रैल 2024 तक की रहेगी। ठीक है, पोस्ट के डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। यहाँ नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन, कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन मेंशन की गई है। फर्स्ट पोस्ट है प्रोफेसर के लिए, सब्जेक्ट है साइंस एंड एजुकेशन। दोनों ही सब्जेक्ट्स में एक एक पोस्ट की रिक्रूटमेंट की जा रही है और प्रोफेसर के लिए सैलरी है 1 लाख पर मंथ। सेकेंड पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर, एजुकेशन सब्जेक्ट में 3 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है। मैथ्स में 1 पोस्ट है, जूलॉजी में 1 पोस्ट, फिजिक्स में 1 पोस्ट और कॉमर्स में 1 पोस्ट है। सैलरी है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 60,000 पर मंथ। थर्ड पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर, सब्जेक्ट मेंशन किया गया है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 1 वैकेंसी है, फिजिक्स में 1, बॉटनी में 2 वैकेंसी है, जूलॉजी में 2, मैथ्स 1, एजुकेशन 6, फिजिकल एजुकेशन 1, एग्रीकल्चर 1, इकोनॉमिक्स 2, कॉमर्स 1, पॉलिटिकल साइंस 1, जियोग्राफी 1, हिंदी 1, मराठी 1। और उर्दू में 1 पोस्ट है। ठीक है, तो इन सारे पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मंथली सैलरी 45,000 पर मंथ है। नेक्स्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर प्रोफेसर साइंस और एजुकेशन। पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कॉलेज से। नेक्स्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर एसोसिएट प्रोफेसर एजुकेशन, मैथ, जूलॉजी, फिजिक्स एंड कॉमर्स। फर्स्ट में मेंशन किया गया है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ पीएचडी डिग्री, मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, मिनिमम 8 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी, मराठी एंड उर्दू। मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल। UGC नेट और CSIR क्वालिफाइड होनी चाहिए। PhD की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट है जनरल कंडीशन। तो यहाँ मेंशन किया गया इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हु फुलफिल्स द अबव कंडीशन मे अप्लाई थ्रू ऑफलाइन एप्लीकेशन ओनली। ठीक है, तो यहाँ से जो वैकेंसी पब्लिश की गई है उसका ऑफलाइन प्रोसेस है, तो एप्लीकेशन ऑफलाइन सबमिट करनी है। नेक्स्ट है सेपरेट एप्लीकेशन मे बी फिल्ड इफ अप्लाइड मोर देन 1 पोस्ट। तो कैंडिडेट यदि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करनी है। लास्ट डेट है एप्लीकेशन के सबमिशन का 22nd of May इवनिंग 5 o'clock। नेक्स्ट है कैंडिडेट हैज़ टू प्रोड्यूस ऑरिजिनल सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू बिफोर ज्वाइनिंग फॉर वेरिफिकेशन। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन फॉर कैटेगरी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है अबव पोस्ट आर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो ये वैकेंसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी जॉब में उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करनी है। नेक्स्ट है दोज हु हैव सर्व्ड इन NCERT इंक्लूडिंग एनी ऑफ द यूनिट फॉर 3 ईयर्स नीड नॉट टू अप्लाई। DADA प्रोवाइड नहीं की जाएगी इंटरव्यू के लिए। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल रिक्वायर टू ज्वाइन इमीडिएटली। ठीक है, तो यहाँ जनरल कंडीशंस मेंशन किया गया, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इस कंडीशंस को केयरफुली चेक कर लें। लास्ट में ऑफिशियल एड्रेस मेंशन की गई है, तो इस ऑफिशियल एड्रेस पे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगी जा रही है उसकी अटैचमेंट 22nd of May इवनिंग 5 o'clock तक पहुंच जानी चाहिए। लास्ट डेट है एप्लीकेशन के सबमिशन का। रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट एंड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लें। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल से के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन का प्रिंटआउट लेना है या जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है करेक्टली फिल करके अटैचमेंट के साथ 22nd of May इवनिंग 5 o'clock तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंच जानी चाहिए ऑफिशियल एड्रेस पे।